पुलिस की क्राइम ब्रांच की एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने इस साल जनवरी से अब तक ऑपरेशन मिलाप के तहत 333 बच्चों को उनके घर वालों से मिलवाया है। ये वह बच्चे हैं जो अलग अलग कारणों जैसे रास्ता भूलने, गलती से दिल्ली वाली ट्रेन में बैठ जाने, घर से भागकर दिल्ली आ जाने जैसे कारणों से दिल्ली पहुंच जाते हैं। क्राइम ब्रांच रेलवे स्टेशनों, बस स्टैंड, होटलों और अस्पतालों और दूसरी जगहों पर खोजी अभियान चलाती रहती है और ऐसे बच्चों की पहचान कर उनके घर वालों से मिलवाती है। क्राइम ब्रांच के एडिशनल सीपी राजीव रंजन के मुताबिक उनके एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट इस दिशा में बहुत बेहतरीन काम कर रही है। कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अपने घर का पता नहीं बता पाते, ऐसे बच्चों की काउंसलिंग होती है और फिर जांच के बाद उनके घर वालों को खोजने में कई कई दिन लग जाते हैं, उसके बाद बच्चों के घर वाले मिल पाते हैं। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट बच्चों से जुड़ी तमाम एजेंसियों और एनजीओ के संपर्क में रहती है। यूनिट ने दिल्ली से इस साल अभी तक 57 अगवा लोगों को भी अपहरण करने वालों के चुंगल से छुड़वाया है, जिसमें 14 नाबालिग है। मैं बताना चाहता हूं कि इस एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग ड्राइव में, इस ऑर्गेनाइज क्राइम के खिलाफ जो हमारी जंग चल रही है, उसमें एएचटीयू हमारा बहुत ही अहम स्टेक होल्डर है और इसने अभी पिछले एक साल के अंदर में 333 बिछड़े बच्चों को उनके परिवार से मिलवाया। इसके अलावा लगभग 57 विक्टिम्स जो किडनैपिंग के थे, जिनमें बहुत सारे माइनर बच्चे हैं, कुछ महिलाएं हैं, उनको हमने रिकवर किया। हमारा एएचटीयू जो है, दिल्ली की नोडल एजेंसी तो है ही, हमारे हर जिले में, हर डिस्ट्रिक्ट में एक एएचटीयू का यूनिट है।